दोस्तों फाइनली चाइना में MIUI 12 अनाउंस हो चुका है, तो जिसको मैंने अपने इंडिया के मैं तो चलो इंडिया से ही हूँ, तो मैंने इसको अपने Redmi Note 5 Pro में इंस्टॉल कर लिया है, जो कि चाइना की रोम जैसे ही रिलीज हुई थी Note 5 Pro वगैरह के लिए, तो उसको बीटा इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो चाइना की रोम जो है मतलब एक्साइटिंग है, आज हम इसको ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, बेसिकली मैं आपको आज 5 फीचर्स ऐसे बताऊंगा कि जो इस MIUI 12 को काफी खास बना देता है बाकी कस्टम UI से, तो डेफिनेटली ट्राई करोगे जैसे ये इंडिया में रिलीज होगा। आई थिंक 2-3 महीने तक कौन से डिवाइसेस में, यानी कि अभी जो चाइना के डिवाइसेस है किसमें हमें देखने के लिए मिलेगा MIUI 12, और इंडिया की लिस्ट में काफी जल्दी अपडेट कर दूंगा आपको। Hey guys, my name is Abhinav. Welcome to TechNav. अभी लेट्स गेट दोस्तों, जो नंबर 5th पे है वो है कि इसमें जो एनिमेशन है उसको काफी इंप्रूव किया गया है पिछले MIUI 11 से, जहां पे आपको हर जगह एनिमेशन मिलेगी। लाइक जैसे अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा, तो अनइंस्टॉल करने वक्त आप देख सकते हो कि इसकी जो एनिमेशन है वो पॉप आउट सी, मतलब काफी स्मूथ सी एनिमेशन की गई है, और काफी अलग सा मतलब इसका जो चेंज किया गया है, हर जगह आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलेंगी। तो ये था जो नंबर 5 पे। अगली चीज मुझे काफी अच्छी लगी, तो जैसे मैंने इस रोम को इंस्टॉल किया अपने Redmi Note 5 Pro में, तो इसमें मुझे देखने के लिए मिला मई का सिक्योरिटी पैच, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है क्योंकि मई जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और हमें इसका सिक्योरिटी पैच मई का ही देखने के लिए मिला। प्लस मेन जो इसका फीचर है वो ये है कि जिस इसमें फ्लोटिंग एनिमेशन है ना, वो इसमें काफी स्मूथ है। मुझे नहीं पता ये बैटरी इतनी यूज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जो इसका एनिमेशन है वो आपको काफी एक प्रीमियम सी फील देगा आपके एंड्रॉइड डिवाइस में। और बाकी इसका सेटिंग्स का जो लेआउट है वो काफी डिफरेंट किया गया, जिसमें आपको वर्जन सिक्योरिटी लेवल सब कुछ आपको। सबसे एक्साइटिंग फीचर है वो ये लगा कि जब आप अपने फोन में जाते हो कि ना वेदर की रिपोर्ट्स वगैरह देखते हो, तो उसमें आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो काफी बढ़िया है इस बार, कि जो आपको क्लाउडी अगर नेचर होगा तो आपको सारा क्लाउडी सा शो होगा, और उसके आगे भी मतलब जैसे जैसे आप क्लाइमेटिक कंडीशंस आप अलग अलग देखोगे, तो बिल्कुल एक एनिमेशन। और देखने की मेन बात यह है कि इसमें जो आपको थीम्स हैं और वॉलपेपर्स हैं वो काफी ऑप्टिमाइज्ड और MIUI 12 के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट और नए से डिजाइन में मिलेंगे, जबकि आपको कोई भी क्लासिक सा डिजाइन नहीं होगा, सब एकदम डायनामिक से वॉलपेपर वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें जो आपको MIUI 12 के लॉन्च वक्त की आपको जो बिल्कुल उन्होंने शो किया था अलग सा वॉलपेपर, जिसमें आपको देखने के लिए मिला था कि एक अर्थ का वॉलपेपर था, और इसको जूम करते हुए स्क्रॉल करते हुए लाइव वॉलपेपर, जो कि आपको एक्सक्लूसिवली MIUI 12 में मिला है, और जो मैंने रोम को इंस्टॉल किया उसमें भी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों MIUI 12 का सबसे जो डिमांडिंग फीचर, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड किया गया था कि हमें ये फीचर चाहिए चाहिए बाकी चाहे कुछ ना मिले, तो बेसिकली आपको जो फीचर है वो आपको देखने के लिए अब जरूर मिलेगा, जो कि था ऐप ड्रॉअर का। तो दोस्तों आप सेटिंग्स में अगर जाओगे तो डिफॉल्ट लॉन्चर की जगह सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको ऐप ड्रॉअर अपने फोन में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप इसको जाके इनेबल कर सकते हो। ये बिल्कुल कहते ना एज अ पोको लॉन्चर वर्क करेगा, कि जैसे आपको पोको लॉन्चर इंस्टॉल करना पड़ता था फिर आप यूज करते रहे, लेकिन ये इनबिल्ट इन्होंने ऐप ड्रॉअर को इंस्टॉल कर दिया हुआ है, जिससे आपको काफी एक बढ़िया सी लुक आएगी, क्योंकि काफी लोगों को ऐप ड्रॉअर की जरूरत होती है। ये था दोस्तों जो ऐप, और उसके अलावा भी अगर हमें ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस में कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा अलग अलग चीजें। तो देख सकते हैं जैसे ट्रिगर सर्च जैसे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, ऐप वर्ड वगैरह तो हमें पहले भी देखने के लिए मिलता था, तो उसके बाद अगर हम ऑप्शन, तो दोस्तों परमिशंस को लेकर इन्होंने काफी बढ़िया काम किया, कि जिसमें आप परमिशंस कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी जो ऐप है आपको कौन सी परमिशंस उसको ग्रांट करनी है, ताकि ये बार बार आपको इंटरप्ट ना करे कि इसको यूज करना है या कुछ भी। तो उसके अलावा अगर हमें स्पेशल फीचर्स में गेम टर्बो वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी मिलता था, और भी काफी AI बेस्ड इन्होंने काफी चीजों को इम्प्रूव किया गया है, लाइक क्विक रिप्लाइज वगैरह, और भी कई चीजें हैं जो कि MIUI में आपको काफी इम्प्रूव्ड और AI बेस्ड मिलती है, क्योंकि ये जो इस बार इन्होंने AI के बेस पे काफी कुछ चेंजेस किए हैं। तो इसमें आपको जैसे लाइट मोड मिलेगा, तो लाइट मोड में क्या होगा कि आइटम्स वगैरह बड़ी कर देंगे ताकि आपकी बैटरी सेव हो, प्लस आपका जो फोकस रिलेटेड जो आपको इश्यूज वगैरह होते हैं वो कोई इसमें दिक्कत ना आए, और भी इसको काफी फीचर्स लाइक सेकंड स्पेस वगैरह जो कि आपको पहले भी देखने के लिए मिले। इसमें अगर आप देखो तो कॉल में आपको जो ऑप्शंस है AI कॉल असिस्टेंट जैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें आप चूज कर सकते हो मेल या फीमेल की आवाज के रिलेटेड, या आप चूज कर सकते हो कि फोन पिक करने के बाद आप कौन सा उसको वॉइस मैसेज आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो। तो ये फीचर आई थिंक इंडिया में शायद ही आएगा, पर अगर आएगा तो काफी एक्साइटिंग सा रहेगा ऑप्शन।
तो इसके बाद आपको कॉल जैसे रिसीव करने के लिए, कॉल फॉरवर्ड करने के लिए काफी नए नए ऑप्शंस मिलेंगे शाओमी की तरफ से, जो कि बस खत्म है, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने बताया था कि इसमें एनिमेशंस का तो बस नाम ही मत पूछो, कि हर जगह एनिमेशंस आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन में स्क्रीन टाइम का मिलेगा आपको, हर जगह एनिमेशंस भरपूर है, उसकी कोई बात नहीं है। फोन आपको बिल्कुल एकदम स्मूथ सा मिलेगा। तो ये जो फीचर था ये आता था नंबर 2 पे, जो कि मुझे काफी जो कि बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 पे रैंक करेगा, क्योंकि ये ऐसा फीचर है जो कि शाओमी को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी की जो ऐड करने के लिए, क्योंकि MIUI 9 और 10 के बाद कोई चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिले थे। तो ये जो चेंज है वो हमें मिला है नोटिफिकेशन पैनल में। तो आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन पैनल में बिल्कुल एक AI बेस्ड सिस्टम हो चुका है, जिसमें आपको परफेक्ट स्मूथ एनिमेशंस मिल रही हैं, बिल्कुल नया एक लेआउट मिल रहा है देखने के लिए, जो कि अपने फोन को आप पहले तो स्मूथ बनाएगा अपनी एनिमेशंस के कारण। लेआउट है वो काफी हम कह सकते हैं एप्पल से थोड़ा इंस्पायर्ड है, पर एप्पल जैसा नहीं है, थोड़ा इंस्पायर्ड हम कह सकते हैं। तो एनिमेशन हमें काफी बढ़िया मिल रही है, सब कुछ इतना बढ़िया UI मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग MIUI 12 अभी तक का जो कस्टम हम इसको कहेंगे वो काफी बढ़िया है, तो स्टॉक एंड्रॉयड के बाद या कुछ भी, तो काफी बड़ी इंप्रूवमेंट की गई है इस बार MIUI 12 में। और हमें इंडिया में भी ये थोड़ी आई थिंक 2-3 महीने तक की बात कर रहा था, जो कि अभी चाइना में MIUI 12 जिनको मिलेगा वो ये लिस्ट है, आप देख सकते हो। अगर आपका डिवाइस यहाँ पर लिस्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं लिस्टेड तो इंडिया के लिए काफी जल्दी लिस्ट आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही तो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि 1 वीक तक कि कौन से फोन्स में आपको इंडिया में जो है MIUI 12 देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।